बराबर न्यू ब्लॉग और फिर से आपका दोस्त सुहेल आज आपके साथ है। और आज का जो वीडियो है ना, ये एक अपडेट वीडियो है जो कि काफ़ी बेहतरीन अपडेट है अपने शहर मुजफ्फरपुर के लिए, बिकॉज अपने शहर मुजफ्फरपुर में एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया गया है। आप अभी देख सकते हैं, मैं सबसे पहले लोकेशन के बारे में बता दूँ। अभी मैं हूँ अपने शहर मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक पर, और सिर्फ यहाँ पर नहीं, बहुत सारे जगह पर अप्लाई किया गया, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर लग गया ट्रैफिक लाइट, और जो ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको काफ़ी बेहतरीन ढंग से और काफ़ी सख्ती से उसका पालन करवाया जा रहा है। और लोग अभी देख सकते हैं, सारे के सारे लोग जो है यहाँ पे ट्रैफिक के जो नियम है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है, उस जेब्रा क्रॉसिंग के लोग पास में ही वहाँ पर रुक रहे हैं, और जैसे ही उनको टाइम मिल रहा है वो रोड को क्रॉस करने का काम कर रहे हैं। प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस भी आप देख सकते हैं पीछे मौजूद है, जो कि अपना बखूबी अच्छे से यहाँ पे ड्यूटी निभा रहे हैं। ट्रैफिक की समस्या थी, जाम की जो समस्या थी, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। बहुत हद तक जो है वो स्नैचिंग वगैरह और चोरी छिनताई, ये बहुत कुछ हद तक जो है इसको भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में किया जा सकेगा। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इधर टाइम दिया जाता है, और टाइम जैसे ही ख़त्म हो जाती है। बढ़िया है, बढ़िया। अरे हम भी आपके सब्सक्राइबर हैं, हमारा भी ख्याल रख लीजिए। चलिए, ये मिल गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। ये ट्रैफिक जो सिग्नल लगा है, जिस तरीके से लोगों से फॉलो करवाया जा रहा है यातायात नियमों का, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया किया है, इससे ट्रैफिक जो सिचुएशन बन जाती है कलमबाग, तो उससे काफ़ी कंट्रोल है। और देखा जाए तो लोगों के अंदर नियम कानून फॉलो करना का आदत लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, मैंने चूँकि लोकल में निकला हूँ तो अभी हेलमेट मेरे पास नहीं देख रहे होंगे, तो कुछ ऐसे क्लॉज है सरकार में, मतलब हमारे संविधान में, आप लोकली ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ट्रैफिक पुलिस को बताने पे वो हमें ही कानून समझाते हैं, बिकॉज उन्हें लिमिटेड नॉलेज होती है। तो हम, वी आर द स्टूडेंट ऑफ लॉ, और वी नो कि कहाँ पर ट्रैफिक नियम का उल्लंघन होना है और कहाँ पर पालन होना है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द ब्लॉग ऑफ सुहेल आजमी, राइट? सुहेल, यस यस, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैफिक नियमों का पालन काफ़ी अच्छे से करवाया जा रहा है, और लोग भी काफ़ी सख्ती से कर रहे हैं, क्योंकि अपने शहर मुजफ्फरपुर में जो लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं कि बात बनाने में आगे रहते हैं, निकल जाते हैं बगैर हेलमेट के और बगैर किसी प्रिकॉशंस के। सो यहाँ पे अब ऐसा नहीं चलने वाला अपने शहर मुजफ्फरपुर में, बिकॉज अब उनको पूरी तरीके से सख्ती से उनको यातायात नियमों का पालन करना पड़ेगा। बिकॉज हर जगह जगह पे मैं दिखा रहा हूँ तो कैमरे भी लगाए गए, जी हाँ, हर तरफ कैमरे भी लगाए गए हैं। आप प्रशासन की नज़र से बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते हैं, आपको बिल्कुल ही पकड़ लिया जाएगा। और इस तरीके से क्या होगा कि जो चोरी की जो गाड़ियाँ लेकर के भागते हैं, वैसे लोगों पे भी काफ़ी ज़्यादा शिकंजा कसा जाएगा, बिकॉज बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हमारे शहर में अच्छे चलती हैं जिनके कुछ पेपर्स वगैरह नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी होने वाली है। सो अब ये सारा कुछ जो है, ये चीट फंड वाला, फ्रॉड वाला जो काम है ना, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, अपने शहर मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक पे नहीं, ऐसे बहुत सारी जगहों पे जो है ट्रैफिक नियमों का पालन सख्ती से करवाया जा रहा है, और हर जगह पे ट्रैफिक लाइट लगा दिए गए हैं। और लोग जो अब तक बगैर हेलमेट के निकलते थे ना, वो सारे के सारे लोग हेलमेट के साथ निकल रहे हैं, और यातायात नियमों का पालन भी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, कलमबाग चौक पे काफ़ी सख्ती के साथ यहाँ पे पालन करवाया जा रहा है, और ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। सर से जानना चाहेंगे, सर आप तो पूरा दिन भर लोगों को वॉच करते रहते हैं, जिस तरीके से ट्रैफिक नियमों का लोगों के साथ सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, तो क्या लगता है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या फिर अभी भी उल्लंघन ही कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, 95% लोग फॉलो कर रहे हैं। 95% लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कैमरा लगाया गया है, तो क्या उनको ऑनलाइन चालान भेजने का भी फैसिलिटी है क्या? ऑनलाइन चालान भेजने का है। सो सिर्फ यही कलमबाग चौक पे ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे जगह पे मुजफ्फरपुर में लगाए गए हैं ट्रैफिक नियम, वहाँ पे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और मेरे दोस्त मिल गए हैं, गौरव जी, कैसे हैं आप? हेलो सर। सो कैसा, मतलब लोग किस तरीके से यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं, लोगों में जागरूक आया नहीं? एकदम सर, बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है रूल रेगुलेशन, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे लोग पहले से ज़्यादा हेलमेट और ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना शुरू कर दिए हैं, थोड़े बहुत हैं, अप्रॉक्स 90%। उसके लिए यहाँ पे कैमरा भी लगाया गया है कि उनको ऑनलाइन चालान एकदम मोटी रकम के साथ, इज्जत के साथ बाई पोस्ट घर पे भेज दिया, भाई साहब आपका चालान। सो गाइस, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रैफिक नियमों का पूरी सख्ती से पालन कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बातचीत करने की,
भैया कैसा ये लोगों में कितना जागरूक आया है ये ट्रैफिक नियम कुछ जो सख्ती से पालन करवाया जाए? ट्रैफिक नियम रहना चाहिए कि आने जाने में बहुत पुराना पहले होता था, जाम अच्छा। बहुत काफी लगता था, तो अभी इससे लोगों को छुटकारा मिल रहा है? बहुत छुटकारा मिल रहा है। ओके, तो आपने हेलमेट नहीं पहना, इसका क्या मतलब? अभी हम लोकल यहीं पर निकलेंगे, मतलब लोकल में जा रहे हैं, तो लोकल में जाने पर हेलमेट की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं नहीं, ऐसा आवश्यकता है जी, अगर हम लॉन्ग टर्म में नहीं जा, अगर वो हेलमेट है तो वो हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। ओके, सो आप इस चीज़ को फॉलो करिए, ठीक है? कि ऐसे लोग अभी भी दिख रहे हैं, ऐसे कुछ लोग और भी होंगे जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पीछे में बहुत सारे ऐसे कुछ लोग हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग ऐसे जो कि अभी भी बगैर हेलमेट के निकल चुके हैं। सो ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है भाई साहब कि आप अपनी सेफ्टी के लिए, सरकार का इसमें कोई आप एहसान नहीं कर रहे, आप अपनी खुद की सेफ्टी के लिए हेलमेट पहन के ज़रूर निकले और यातायात के जो नियम है उसको सख्ती से ज़रूर फॉलो करें। जो कि अपने शहर मुजफ्फरपुर वालों के लिए था और काफ़ी बढ़िया रहा और काफ़ी बेस्ट अपडेट है। और ऐसे ऐसे ट्रैफिक नियम जो है, सिग्नल्स जो है, ये अपने शहर मुजफ्फरपुर के बहुत सारी जगहों पे लगाए गए हैं और लोगों में सख्ती के साथ उसका पालन भी करवाया जा रहा है। ये लगभग 2-2.5 महीने पहले ही सेटअप किया गया था और काफ़ी हद तक जो है ये जाम की जो समस्या है, ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है, ये बहुत हद तक सॉल्व हो चुका है। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और सभी लोगों को अवेयर करिए कि ट्रैफिक नियमों का जो सख्ती से पालन करें, और शेयर करिए, लाइक करिए, और एंड पहली बार देख रहे हैं या फिर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। Get me where I can't get it all. I can't change.